बता दूं मैं यहाँ आ गया हूँ प्रेजेंटेशन आपकी। देखो ये कितना अच्छा गार्डन बना है। अरे आप, आपका क्या नाम है? गंगा प्रसाद। गंगा प्रसाद जी, आप यहाँ विद्यालय की देखरेख करते हैं जी? बड़ा आपने मेंटेन कर रखा, बहुत अच्छा मेंटेन किया है। देखो कितना इसमें सुंदर सुंदर, ये देखिए प्लांटेशन लगा हुआ है, ये दिखाई दे रहा हमें। ये तो प्रकृति की देन है भाई, हम क्या कर सकते हैं, प्रकृति प्रकृति जैसा बनाएगी। इधर सामने आओ मेरे। हाँ आप बताइए, आप क्या कह रहे हैं? हम तो सहयोग ही कर सकते हैं, पानी दे सकते हैं, लेकिन ये तो पौधों को अच्छा करना प्रकृति की देन है। देखिए प्रकृति प्रेम इसे कहते हैं। हमारे यहाँ प्राचार्य गंगा प्रसाद जी हैं, ये विद्यालय में, विद्यालय का नाम है श्री वीरांगना अवंतीबाई कन्या इंटर कॉलेज साक्षी धाम जलीलपुर कासगंज। देखो कितना अच्छा विद्यालय बनाया, मेंटेन किया हुआ है। ये बिल्डिंग है, आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, ये इधर देखिए, यहाँ ये पाम ट्री लगे हुए हैं ऊपर, ये है, और ये देखिए इधर इधर इस साइड में भी है, आगे और भी बिल्डिंग है। अरे आप गुलाब देखो, कहीं कहीं लगता नहीं है। हाँ गुलाब की लकड़ी गाड़ दो वो भी हो जाती है, इतनी अच्छी मिट्टी है। देखो इसमें फ्लावर्स आए क्या, फूल हैं? दिखाओ कहाँ पर हैं, हम भी तो देखें। आपने गुलाब के फूल कहाँ लगाए? देखो प्राचार्य हमारे साथ चल रहे हैं, ये हमें दिखाने ले चल रहे हैं। देखिए ये इसमें इन्होंने कटिंग कर रखी, हाँ कटिंग कर रखी है इन्होंने, ये इसमें कितना अच्छा प्लांटेशन है। आपको आज मैं आंवला, अरे आंवला लगे हुए हैं इस पर, देखिए ये आंवले का पेड़ है, ये आपको दिखाऊँगा मैं, बहुत पास से दिखाऊँगा। ये आंवले का पेड़ लगा है इस पर, देखो ये आंवले लगे हुए इधर, देखिए इधर ये दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए ये इधर देखो, ये आंवले लगे हुए हैं। आंवला स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, है च्यवनप्राश का आधार है आंवला, विटामिन सी सबसे ज़्यादा आंवला में ही होता है। ये आंवले के पेड़ लगे हुए हैं, कितनी अच्छी बात है यहाँ पर। चलिए अच्छा, ये उग रही है, ये भिंडी उग रहे हैं पौधे। अच्छा हाँ भिंडी उग रहे हैं, अमरूद के पेड़ हैं, अमरूद के पेड़ हैं, ये देखो अमरूद के पेड़ है। ये आज आपको पूरा पूरा गार्डन दिखा रहे हैं, पूरा गार्डन, किचन गार्डन है इनका, किचन गार्डन तो नहीं कह सकते ये इनका। देखो ये टमाटर, अरे टमाटर है, टमाटर लगा है, ये देखिए टमाटर लगा है, टमाटो का है। इन पर लकड़ी लगाओ जिससे ये ज्यादा बढ़ेगा। लकड़ी लगी है, ये बांधेंगे तो ये, हाँ सही है सही है। इधर और क्या चीज़ है? देखो मेथी है, मेथी है, मेथी, हाँ मेथी है, और ये पालक, ये पालक है। अच्छा और ये काहे का पेड़ है? ये इन पर फली आ रही, देख लें, ये वो बांकला। अच्छा बांकला है, तो फली आ रही होंगी इसकी, फलियों की सब्जी बनती है, बहुत अच्छी सब्जी बनती है। ये लहसुन है, देखो लहसुन है, बांकला है, लहसुन है ये, और चलो आगे इधर देख ले, निकल ले इधर, भिंडी वैसे है इसमें। ये वो बोगनविलिया होती है, बोगनविलिया। अच्छा कलम का लगाई है आपने, अरे बहुत है ये तो बोगनविलिया। ये बैंगन के पेड़ है, देखो बैंगन के पेड़ है, बैंगन आएंगे हैं एक, और ये धनिया है, अरे बहुत सी चीज़ें हैं इसमें तो, धनिया देखो, धनिया लगा हुआ, फ्लावर्स हैं, ये देखिए धनिया। ये बोगनविलिया नहीं होती है वो फूल। अच्छा ये वाला, ये देखिए आंवला है। चलिए ये देसी वाला है। अच्छा ये देसी वाला, ये देसी आंवला है इस पे थोड़ा। चलिए ये आपने दिखाया हमें,
ये देसी वाला आंवला बता रहे हैं। अच्छा ये देसी आंवला बता। देखो आंवले कर रखे उन्होंने, विटामिन सी सबसे ज्यादा आंवले में ही होता है। चलिए बहुत लोग ले जाते हैं यहाँ से। अच्छा हाँ चलिए, ये है आंवला है, बहुत लोग आते हैं। हाँ। और अचार के लिए ले जाते हैं। अरे यार आए थे हाँ। के लिए वो ले गए। अच्छा हाँ चलो ये बढ़िया, कभी भी आए आप, पहले आ जाए अगर जनवरी में। हाँ हाँ तो बहुत आंवला ये मैं दिखा रहा हूँ, इसका कैंपस दिखा रहा हूँ, बहुत बड़ा कैंपस है। और ये चाचा जी यहाँ पर बहुत अच्छा मेंटेन कर रखा है, आपको बहुत सी चीज़ें दिखाऊंगा। देखिए ये फाइकस ग्रीन के प्लांट्स लगे हुए हैं, और ये हैज लगा हुआ है। इधर देखें, ये देखिए कली ही गुलाब। अच्छा ये वाला है। चलिए इधर देखें, इधर आ जाओ। और अच्छा ये मोर पंखी है, देखो कितनी अच्छी है, उसमें लगाई गई है। ये इधर आना पहचा जी, देखें देखो। हाँ कौन सा काय के पेड़ है ये? ये मोर पंखी है। अच्छा मोर पंखी है, अरे ये सब मोर पंखी के पौधे हैं। अच्छा इधर भी, ये भी मोर पंखी के पौधे। अच्छा मोर पंखी के है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को मोर का पंख बहुत प्रिय था, इसके पत्तियाँ मोर के पंख जैसी होती हैं, इसलिए इसको मोर पंखी कहते हैं। और इसको ये क्रिसमस ट्री कहते हैं। सब्जी भी है। हाँ। चलो दिखाओ चल के। ये पेड़ है, बैंगन पर फ्लावर्स लगे हैं, ये देखिए ये फ्लावर्स लगे हैं, ये फ्लावर्स हैं। आज आपको पूरा बागवानी दिखाएंगे। सब्जी के लिए पौधे हैं, ये बैंगन के पौधे हैं, ये इधर देखिए, इधर ये देखो बैंगन के पौधे लगे हुए, कितने फूल लगे हैं इन पर, सब पर बैंगन आएंगे। खूब सब्जी खाओ। ये किसका पेड़ है? हाँ जी आचार्य जी, ये देखो गुलाब लगे हुए हैं, बड़े अच्छे पिंक फ्लावर्स हैं इसके। ये देखिए इधर ये गुलाब है इस पर ये देखो इधर, ये गुलाब के फ्लावर्स हैं। ये देखिए ये गुलाब के फ्लावर्स हैं। ये देखिए ये आम का पौधा है, आम के पेड़ पर देखो और लगा। ये देखिए आम के पौधे बहुत आया हुआ है। ये देखो इसमें लगा नींबू, लगाए क्या लगाएगी, ये मौसमी का पौधा है। अरे मौसमी तो बहुत बढ़िया रहती है। ये देखिए मौसमी, देखो कितना बड़ा मौसमी का फल लगा हुआ है। हमारे यहाँ अच्छा मौसमी है, ये बड़ा अच्छा पेड़ है ये तो। चलिए ये चना की साग, अरे चना की खेती सब चीज़ कर रखी है। चना देखो, चना पर भी फूल नहीं आया है। ये देखो आम का पेड़ है, ये चना की खेती है इस पर। देखो चना दिखा रहा हूँ आपको, चने में ये फूल लग रहे हैं, ये देखिए फूल लग रहा है ना इधर, ये चना की खेती कितनी अच्छी है। ये देखिए ये मटर है, इसे देखो मटर आ रही है, ये मटर की फली लग रही है इस पर, मटर सब्जी वाली मटर है। ये देखो इस पर ये दिखा रहा हूँ मैं इधर,